In today's lecture, we'll discuss life cycle of fern. Life cycle of Funaria or fern. Funaria land moss. Funaria is land moss. Funaria land moss. और मोसेस आप याद रखें, जब कोई भी न्यू हैबिटेट होता है वहां पे जो अर्ली कॉलोनाइजर्स होते हैं, जो सबसे पहले डेवलप होने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें से एक होते हैं मोसेस, लाइकेंस मोसेस. दे प्रेफर मॉइस्ट एरिया, दे प्रेफर शेडी एरियाज टू ग्रो. अब जो इसका जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट में या एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, तो इसमें दो पार्ट होते हैं. स्पोरोफाइट में दो स्ट्रक्चर्स होती है, एक हो जाएगा स्टेम और एक हो जाएगा लीफ. स्टेम और लीफ. अब आप कहोगे देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट स्टेम एंड लीफ. रूट्स नहीं डेवलप होती यहाँ पे. यहाँ पे एडल्ट गैमेटोफाइट में, थैलस में, यहाँ पे रूट्स एब्सेंट है और रूट्स की जगह यहाँ पे आ जाते हैं रोजोइड्स. तो जो एरियल पार्ट है, जो अबोव ग्राउंड पार्ट है, उस जो सेंट्रल एक्सिस बनाता है, दैट इज कॉल्ड स्टेम. जो एरियल पार्ट है, जो अबोव ग्राउंड पार्ट है, जो सेंट्रल एक्सिस बनाता है, वो कहलाता है स्टेम. और उस स्टेम पे, उस एरियल एक्सिस पे लेटरल जो स्ट्रक्चर्स निकलती है, दे आर कॉल्ड लीव्स. इस तरह से यहाँ पे लेटरल लीव्स अराइज होती. सो एरियल पार्ट से लेटरल लीव्स अराइज. तो दो स्ट्रक्चर होगी हमारी, एक स्टेम होगी, एक लीफ होगी, राइट. अब इसमें नॉर्मली ये अनब्रांच होता है, लेकिन रिप्रोडक्शन के टाइम पे ब्रांचिंग होती है. स्टेम में ब्रांचिंग अकर्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. जब उसमें रिप्रोडक्शन होना होता है, रिप्रोडक्शन होता है, उस टाइम पे इसमें ब्रांचिंग हो जाती है स्टेम में, एंड इट बिकम्स समवॉट लाइक दिस. ये दो पार्ट इसके हम कर देते हैं, इस तरह से होते हैं. थोड़ा सा रोल हो गया. इट बिकम्स ब्रास्ट. और दोनों ही पार्ट में यहां पे लीव्स प्रेजेंट होते हैं. यहां पे भी होगी और यहां पे भी. इस तरह से लीव्स प्रेजेंट होते हैं. आप इनको रोल भी बना सकते हो. एंड चलो लेट अस स्टेज में बताऊंगा. तो अभी स्टेम और लीफ, जो सेंट्रल पार्ट है वो स्टेम हो गया, और उसमें जो लेटरल ब्रांचेस निकल रही है, दे रिप्रेजेंट्स लीव. अब जो स्टेम है, ये डिफरेंशिएट हो जाता है थ्री पार्ट्स. स्टेम गेट्स डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री पार्ट्स, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड कंडक्टिंग स्ट्रैंड. एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड.
सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड। तो जो अभी हम बात डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो वो सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड यहाँ पे आ गया। अब जब ये यंग होता है, स्टेम जब यंग होता है, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट होंगे, फोटोसिंथेटिक हो जाता है। इन एपिडर्मिस ड्यूरिंग यंग स्टेज क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट, और मैच्योर में ये थिक फोल्ड हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट इन यंग स्टेज, उसके बाद कोर्टेक्स ये थिक फोल्ड होता है, और जैसे एपिडर्मिस मैच्योर हो जाएगा इसमें क्लोरोप्लास्ट भी गायब हो जाएंगे। अब जो कंडक्टिंग स्ट्रैंड है ये थिक फोल्ड है, इसमें सेलुलोज प्रेजेंट है, थिक फोल्ड सेलुलोज प्रेजेंट है, सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड। तो दिस इज रिगार्डिंग स्टेम, पहला पार्ट ये जो सेंट्रल पार्ट था इसकी बात हुई है, और इसके एंड में आप आपको जाके पता है क्या डेवलप हो जाएगा, कैप्सूल। ड्यूरिंग मैच्योरेशन इसमें यहाँ पे कैप्सूल डेवलप हो जाता है, और नीचे की साइड में इसमें क्या होंगे, रूट्स तो है नहीं, रूट्स की जगह यहाँ पे राइजोबियम्स आ रहे हैं। And ये साइड वाइज स्ट्रक्चर्स ये लीव्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं लीव्स की, सेकंड पार्ट हमारा दैट इज लीव्स। वन सेल देखते हो, एक लीव में एक सेल है, लीव वन सेल थिक, बहुत ज्यादा सेल्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है, और सेल का सॉरी जो लीफ का काम है वो क्या है, फोटोसिंथेटिक। इसका मतलब इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, यहां पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है लीफ में, एंड इट बिकम्स फोटोसिंथेटिक। अब मैं बता रहा था कि जब मैच्योरेशन हो जाएगा और जब रिप्रोडक्शन होना होगा तो ये ब्रांच हो जाता है, इस ब्रांचिंग की मैं बता रहा था आपको, देन इट बिकम्स ब्रांच, और ब्रांचिंग के यहाँ पे भी लीव्स प्रेजेंट होंगे, और ये ऊपर की तरफ जाके पार्ट क्या बना देगा, ये तो फूट हो गया, ये हो गया सेटअप मिडिल पार्ट, और ऊपर का पार्ट है कैप्सूल, तो स्मॉलर पार्ट हो जाएगा। कैप्सूल से ऊपर हमने एक वर्ड यूज किया था कि जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो उसके साथ साथ एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर बन जाती है, व्हिच इज नोन एज इलेक्ट्रा, सो इट इज इलेक्ट्रा। नाउ कैप्सूल को थोड़ा सा ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, एंड दिस इज इलेक्ट्रा। फुट सेटा कैप्सूल इलेक्ट्रा, दो पार्ट है स्पोरोफाइट में, सेटा सॉरी स्टेम एंड लीव, ये गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइटिक पार्ट के बाद हम कर रहे हैं फुलेरिया में लैंड मॉस। अब अगर हम देखें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मोसिस में रिप्रोडक्शन कैसे कंप्लीट होता है, सो बोथ वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स, तो मैं पहले मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्क्राइब कर देता हूँ। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो ब्रांचेस की हमने देखा था, जब रिप्रोडक्शन के टाइम पे स्टेम डिवाइड हो जाता है, ब्रांच हो जाता है, तो दो ब्रांचेस हो जाती है, एक मेल ब्रांच एंड फीमेल ब्रांच, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है स्टेम, हैविंग मेल एंड फीमेल ब्रांच।
मेल ब्रांच इज कॉल्ड एंथ्रेडियोफोर एंड फीमेल ब्रांच इज कॉल्ड आर्किडियोफोर. एंथ्रेडियोफोर एंड आर्किडियोफोर. एंथ्रेडियोफोर एंड आर्किडियोफोर रिप्रेजेंट्स मेल एंड फीमेल ब्रांच. आर्किडियोफोर give rise to female gamete, that is axil, and वही ये flask shaped structure है. but यहाँ पे जो neck canal cells हैं NCC हैं उनका number ज्यादा होता है. neck canal cells का number 9 से 10 होता है in case of female gamete. पहले मैंने आपको बताया था number of neck canal cell is 9 to 10 in case of funaria. लेकिन फिर से ventral canal cell एक होगी, sorry ventral cell एक होगी and axil भी एक ही होगी. axil and ventral cell one is when neck canal cells are 9 or 10. मेल ब्रांच की बात करें, एंथ्रेडियोफोर की बात करें, जो मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस मेल गैमेट दैट इज स्पर्म. मेल गैमेट स्पर्म और एंथ्रोजॉइट प्रोड्यूस करता है. अब मेल गैमेट सॉरी मेल ब्रांच में एंथ्रेडिया में एंथ्रेडियोफोर में एंथ्रेडिया के साथ साथ हेयरलाइन हेयरलाइन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है. ग्रीन हेयरलाइन स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर्स अलोंग विद एंथ्रेडियोफोर सॉरी अलोंग विद एंथ्रेडिया मेल गैमेट ग्रीन हेयरलाइन स्ट्रक्चर्स आर आल्सो फाउंड. दे आर नोन एज पैराफाइसिस. उनको क्या कहते हैं? पैराफाइसिस. दे आर नोन एज पैराफाइसिस. So paraphysis are green hair-like structures along with anthridia. अब ये paraphysis में चार पांच cells होती हैं. It contains 4 to 5 cells. और ये इसका काम क्या है? ये water को conserve करता है. It helps in water conservation. Water conservation. वाटर से मनुष्य को बचाता है, जैसे क्लेप्ट्रा करता है एम्ब्रियो स्टेज में. यहाँ पे पैराफाइसिस मेल गैमेट के केस में वाटर लोड को प्रिवेंट. अब जो मैच्योर एंथ्रेडियम है स्पर्म को एंथ्रेडियम वो स्टॉक स्ट्रक्चर होती है, एलोंगेटेड स्ट्रक्चर होती है जिसमें लंबा सा स्टॉक हो. स्टॉक हो गए और एंड्रोसाइट एंड्रोसाइट एंड स्टॉक. इट हैज एंड्रोसाइट एंड स्टॉक. ये एंड्रोसाइट सिंगल नहीं होता, बहुत सारे एंड्रोसाइट होते हैं. नंबर ऑफ एंड्रोसाइट्स आर प्रेजेंट ऑन अ स्टॉक. एंड एंड्रोसाइट कंटेन्स biflagellated enterozoids. They contain biflagellated demanoyoga biflagellated enterozoids. Male gametes. So male and female gametes are formed or produced. और water में release हो जाएंगे male gametes and then fertilization will take place. केमोटैक्सिक मूवमेंट है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. सुक्रोज प्रोड्यूस होता है. मैच्योरेशन के टाइम पे सारे के सारे सेल डिजनरेट होकर म्यूचुअलाइज प्रोड्यूस करेंगे और लेट ओपन हो जाएंगे. सो दीज स्ट्रक्चर्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ कैप्सूल इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन केस ऑफ फिलेरिया.
या मोसिस। तो कैसे ये जो कैप्सूल है इनकी डेवलपमेंट होती है, कैसे इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, दैट वी डिस्कस नाउ। कैप्सुलर स्ट्रक्चर, तो कैप्सूल सोलन और पिट का जो प्रेजेंट होता है पार्ट, जिसमें सारे के सारे डेवलपमेंट होती है। तो तीन जोन में डिवाइड होता है, कैप्सूल इज डिवाइडेड इनटू थ्री जोन्स। कैप्सूल के तीन पार्ट है या फिर तो तीन एरिया या तीन जोन्स होते हैं, अपरकुलम, थीका एंड एपोफाइसिस। अपरकुलम जिसको ओपनिंग भी कह सकते हैं, थीका मिडिल पार्ट है एंड एपोफाइसिस। अपरकुलम, थीका एंड एपोफाइसिस, ये ओपनिंग है, सबसे ऊपर का पार्ट है, थीका मिडिल रीजन है और लोअर पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड एपोफाइसिस। ऑलरेडी मैंने आपको एक बार डायग्राम बनाया हुआ है, लेकिन मैं क्विक डिटेल आपको ये कर देता हूं। सो दिस रीजन इज नोन एज अपरकुलम, हम कह सकते हैं ओपनिंग है और यहां पे बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। सो दिस इज द अपर मोस्ट पार्ट अपर क्यूलम। इसमें इसके जस्ट नीचे पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको कहते हैं पेरिस्टोमियल टीथ। इनका एंगल इज पेरिस्टोमियल टीथ। पेरिस्टोमियल टीथ का नंबर भी वेरी करता है अलग अलग ग्रुप्स में। फुलेरिया में दो लेयर होती है, 16 आउटर एंड 16 इनर। फुलेरिया में 16 आउटर वन एंड 16 इनर वन दो ग्रुप में अरेंज होते हैं, जबकि कोबोल एटम में 64 होते हैं। कोबोल एटम है 64, 32 प्लस 32, 32 आउटर एंड 32 इनर। कोबोल एटम है 64, बट स्फेग्नम में पेरिस्टोम एब्सेंट होता है। सो दिस इज पेरिस्टोम, यहां पे ये पेरिस्टोमियल टीथ प्रेजेंट होते हैं। इन स्फेग्नम पेरिस्टोम इज एब्सेंट, इन स्फेग्नम पेरिस्टोम इज एब्सेंट। तो ये आउटर पार्ट हो गया, उसके बाद जो एरिया है जो मिडिल रीजन है दैट इज कॉल्ड थीका रीजन, और ये जो नीचे की तरफ कनेक्टेड होता है विद द एपोफाइसिस। तो ये कनेक्टिंग पॉइंट हो गया, कनेक्टिंग टिश्यू हो गया। एंड दिस कनेक्टिंग टिश्यू जॉइंस एपोफाइसिस। तो तीन एरिया, तीन रीजंस हो गए। तो यहां से लेके सारा पार्ट इट रिप्रेजेंट्स एपोफाइसिस, ये थीका रीजन हो गया, ऑपरकुलम, थीका एंड ये वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड रिंग। पेरिस्टोम के बाद का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड रिंग, थीका में होता है। और जो सेंट्रल पार्ट है ये वाला एरिया दैट इज नॉन कोलुमेला। थीका का जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज कॉल्ड कोलुमेला। थीका का सेंट्रल पार्ट है वो कोलोमेला को रिप्रेजेंट करता है। इसमें आउटर और इनर वॉल्स होते हैं, इट कंटेन्स आउटर वॉल एंड इनर वॉल, इट कंटेन्स आउटर वॉल एंड इनर वॉल ऑफ सेल्स। यहां पे सेल्स होंगी और यहां पे भी सेल्स होंगी, दिस रिप्रेजेंट्स आउटर एंड इनर वॉल्स। Of course,
आउटर एंड इनर वॉल ऑफ स्पोर्स। सो ये एक स्ट्रक्चर होती है कैप्सूल में, ये तीन पार्ट्स में रिप्रेजेंट होते हैं। जो कैप्सूल है वो पार्शियली डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट, इट इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। और जैसे ही ये मैच्योर हो जाएगा, जैसे कैप्सूल मैच्योर हो जाता है, इसका डिसेंस होता है, इससे स्पोर्स रिलीज होंगे। सो नाउ डिसेंस ऑफ कैप्सूल, डिसेंस ऑफ कैप्सूल तीन पार्ट से कंप्लीट किया है ना, एपोफाइसिस। नाउ डिसेंस ऑफ कैप्सूल, डिसेंस ऑफ कैप्सूल आफ्टर मैच्योरेशन। तो जो वो पॉइंट जहां पे ऑपरकुलम और थीका मिलते हैं, दैट इज एनुलस। ऑपरकुलम और थीका का जो जंक्शन जॉइनिंग पॉइंट है, जहां पे दोनों जुड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एनुलस। द जंक्शन ऑफ ऑपरकुलम एंड थीका इज नोन एज एनुलस। और एनुलस और पेरिस्टोम के बीच का पार्ट कहलाता है रिंग। एनुलस और पेरिस्टोम के बीच का पार्ट था रिंग। ऑपरकुलम और थीका का जंक्शन एनुलस, एनुलस और पेरिस्टोम के बीच का पार्ट है रिंग। तो जो पेरिस्टोम है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, हाइग्रोस्कोपिक हो जाता है। जो आउटर पार्ट है, आउटर पेरिस्टोम, इज हाइग्रोस्कोपिक, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, दैट इज कॉल्ड एज हाइग्रोस्कोपिक। और जब ड्राई कंडीशन होगी तो श्रिंक कर जाता है, इट श्रिंक इन ड्राई कंडीशन। बाकी टाइम पे एटमोसफेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा और ड्राई कंडीशन में श्रिंक कर जाता है। तो जब श्रिंक करेगा तो ये रिंग के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ब्रेक हो जाती है। इट एक्सर्ट प्रेशर ऑन रिम एंड रिम ब्रेक्स डाउन। सो जब रिम टूटेगी तो एनुलस ब्रेक डाउन, रिम टूटी तो एनुलस भी ब्रेक डाउन हो गया। तो मतलब ऑपरक्यूलम और थीका के बीच का कनेक्शन टूट गया, सो ऑपरक्यूलम इज ओपन एंड स्पोर्स आर रिलीज्ड, स्पोर्स आर रिलीज्ड। The process where spores are released in dry condition, dry weather, is known as xerochasia. अब ये 30 डिग्री सेल्सियस पे इसको जो है 30 डिग्री सेल्सियस पे जर्मिनेट कर सकते हैं। तो जैसे इनको इतना टेम्परेचर मिलेगा, इतना सफिशियंट टेम्परेचर मिलेगा, दे विल जर्मिनेट। और फिर से ये नया मोड बना देंगे, उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी। इन दिस वे दिस व्हाट यू से दिस कैप्सूल अंडरगोस डिसेंस, रिलीज़ इन स्पोर्स, स्पोर्स सूटेबल टेम्परेचर पे जर्मिनेट कर जाते हैं एंड फॉर्म्स डिफरेंट सिस्टम्स।